Hi guys, this is part 3 of the Israel-Palestine conflict issue. Guys, ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाता अगर एक ही पार्ट में बनाया जाता, इसलिए आपको अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलेगा. जब भी आप जितना देखना चाहें उतना देख सकते हैं और समझ सकते हैं. बहुत डिटेल में इस कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया है. अभी तक हम इसका पास्ट में जो वॉर्स हुए उनको डिस्कस कर चुके हैं. हम ये समझ चुके हैं कि पैलेस्टाइन बना कैसे है, इसराइल बना कैसे है, पैलेस्टाइन के प्रेजेंट सिचुएशन क्या है. तो गाइज आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यूएस का क्या रोल है इसमें, इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में. क्यों इसराइल को जो एक्वायर किया इसराइल ने पैलेस्टाइन का लैंड एरिया, उसके लिए यूएस ने रोका नहीं. इसके कुछ रीजन हैं गाइज. वन इज यूएस ने एक सिग्निफिकेंट रोल एज अ मीडिएटर प्ले किया है इसमें. हाउएवर इट्स क्रेडिबिलिटी एज अ मीडिएटर हैज लॉन्ग बीन क्वेश्चन बाय पैलेस्टीनियन, बिकॉज ये किसको फेवर करता रहा है, इसराइल को. यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन क्रिटिसाइज बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन अदर अरब ऑर्गेनाइजेशन. इन सब ने इसको क्रिटिसाइज किया है बिकॉज यूएस क्या है, जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी मैटर आता है इसराइल से रिलेटेड, जो क्रिटिकल होता है इसराइल पैलेस्टाइन के इश्यूज पे डिस्कशन से रिलेटेड, उसमें यूएस जो है वीटो कर देता है उस मैटर को. गाइस वीटो का मतलब है जो 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है उनके पास पावर्स हैं वीटो करने की. वो किसी भी डिसीजन को हॉल्ट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को लेके उसे हॉल्ट कर सकते हैं, वीटो कर सकते हैं कि इस पे फर्दर डिस्कशन ना हो. तो गाइज इसी तरह यूएस जो है इसराइल को फेवर करता है. यूएस इसका रीजन क्या है, एक तो यूएस में जो है जूस पीपल इसराइल से ज्यादा है. तो इससे क्या होता है, जो यूएस की इकॉनमी है उसको और यूएस की मीडिया को बहुत मेजर लेवल पे कंट्रोल करते हैं जूस, बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल पीपल, दे आर वेरी रिच पीपल. तो वो एक तरह से यूएस इकॉनमी को भी सपोर्ट करते हैं. और दूसरा एक वोट बैंक है गाइस, बहुत जूस हैं यूएस में, तो यूएस को सपोर्ट करना पड़ता है इसराइल को, बिकॉज एक तरह से वोट बैंक है, उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, मीडिया हाउसेस को भी कंट्रोल करते हैं. इसराइल जो है 3 बिलियन इन डायरेक्ट फॉरेन असिस्टेंस रिसीव करता है, जो कि रफली जो है 1/5 ऑफ अमेरिकन एंटायर फॉरेन एड, उसका 1/5 इसराइल के पास जा रहा है इस 3 बिलियन. उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि इसराइल में, यूएस में इसराइल से ज्यादा जूद रहते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं यूएस पॉलिसीज को, यूएस मीडिया को, यूएस इकॉनमी को, यूएस वोट बैंक को, जिसकी वजह से यूएस कंप्लीटली इसराइल को सपोर्ट करता है. उसी का रीजन है कि अभी कुछ टाइम पहले ट्रंप ने जो है किसको, इसराइल की सेकंड कैपिटल तेल अवीव के बाद जेरूसलम को इसराइल की सेकंड कैपिटल. तो गाइस जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट की ग्रेविटी है वो इतनी ज्यादा क्यों है, एक तो जो इसराइल है वो बहुत ज्यादा फोर्स यूज कर रहा है अगेंस्ट हमास, जो कि पहले नहीं करता था, अब वो बहुत ज्यादा फोर्स यूज कर रहा है अगेंस्ट हमास. उसके अलावा जो इसराइल है उसने अटैक किया अल अक्स मॉस्क पे, जो कि थर्ड मोस्ट होलियस्ट श्राइन है मुस्लिम्स का, और जो इसराइल है उसमें 20% अरब मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है. तो वो कहीं ना कहीं उससे नाराज हो गई है और सिविल वॉर की एक सिचुएशन क्रिएट हो गई इसराइल में भी. और वो किसके साथ सिंपथाइज करने लग गए हैं, पैलेस्टीनियन कॉज के साथ, बिकॉज मुस्लिम शरीन पे अटैक किया है. अब हमास के साथ जो फाइट चल रही है, हमास भी इतना अग्रेसिव क्यों हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं रीजन है कि एक डिससेटिस्फेक्शन ग्रो होता जा रहा है. जो फैक्शन है मोहम्मद अब्बास वाला, फतेह जो फैक्शन है, जो कि मॉडरेट पैलेस्टीनियन लीडर है मोहम्मद अब्बास रमल्ला में, वेस्ट बैंक में, बिकॉज यू नो गाइस जो हमास है वो गाजा में है और फतेह कहाँ है, वेस्ट बैंक में. तो वो उनके लिए, मॉडरेट लीडर्स के लिए एक डिससेटिस्फेक्शन बनता जा रहा है उनके खिलाफ हमास के मन में, बिकॉज लास्ट 15 ईयर्स से एक तो हम जो फतेह है उसने या वेस्ट बैंक अथॉरिटी जो है उसने कोई भी इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाए, जिसकी वजह से जो कॉज है यूनिफाइड पैलेस्टीन का वो कहीं ना कहीं डिमीन होता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है.
ऐसा मानना है हमास लीडर्स का। तो आफ्टर दिस अटैक ऑन मॉस, जो वर्ल्ड के भी मुस्लिम मिलिटेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी कहीं ना कहीं सिंपैथाइज कर रहे हैं पैलेस्टीनियन कॉज के साथ, और उन्होंने कॉल आउट किया है उन सभी को टू फाइट अगेंस्ट इजराइल। तो गाइज ये तो प्रेजेंट सिचुएशन है, अभी जो सिचुएशन इतनी ग्रेव होती जा रही है उसके ये सारे रीजंस हैं। अब इसमें यूएस का क्या रोल है गाइज? यूएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट एज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन को ब्लॉक कर दिया यूएस ने, जबकि 14 out of 15 मेंबर्स कॉल फॉर एन अर्जेंट मीटिंग ऑन द इशू। 15 में से 14 जो मेंबर्स हैं उन्होंने अर्जेंट मीटिंग के लिए कॉल आउट किया, बट यूएस ने उस पर वीटो कर दिया। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज वीटो इज, और ये जो डिस्कशन है उसी को ब्लॉक कर दिया, मतलब अब इस पर डिस्कशन नहीं हो सकता। तो यूएस का स्टैंड आपको समझ आ गया होगा, बट कहीं ना कहीं यूएस भी जो है अभी चाइना को काउंटर करने में ज्यादा ध्यान दे रहा है और मिडल ईस्ट पे उतना फोकस नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी डिससेटिस्फेक्शन बनता जा रहा है। तो प्रेजेंट सिचुएशन आपको समझ आ रहा है यूएस का स्टैंड क्या है। यूएस कंप्लीटली इसराइल को फेवर कर रहा है, इससे आपको ये समझ आ जाता है, बिकॉज 14 out of 15 मेंबर्स ने अर्जेंट मीटिंग के लिए कॉल आउट किया, बट यूएस ने उसको वीटो कर दिया और मीटिंग नहीं हो पाई इस मैटर पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। रीजनल जो है पावर्स, उनका क्या स्टैंड है गाइस? वो भी डिवाइडेड है, जैसे कि ईरान एंड टर्की जो है वो पैलेस्टीनियन कॉज को फेवर करते हैं, वहीं पे सऊदी अरेबिया और यूएई के जो रिलेशंस हैं इसराइल के साथ बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं, और यूएई ने लास्ट ईयर भी इसराइल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो जो ये कंट्रीज हैं सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ये इसराइल के साथ इनके कोई भी खराब रिलेशन नहीं है और इवन रिलेशन बेटर होते जा रहे हैं। वहीं पे कतर, इजिप्ट एंड टर्की जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि सिचुएशन काम डाउन हो जाए और ये जो वॉर चल रहा है ये काम होकर ये खत्म हो जाए। रशिया ऑल्सो एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि हमास और इसराइल जो है कॉन्स्टेंट टॉक्स में रशियन अथॉरिटीज के। चाइना भी एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है। इंडिया का क्या रोल हो सकता है गाइस इस मैटर में? इंडिया कैन प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन दिस मैटर, बिकॉज एज वेस्ट इज शाइंग अवे फ्रॉम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सॉल्व द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। वेस्ट अब एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यूएस जो है उसका फोकस चाइना को काउंटर करने में लगा इंडो पैसिफिक रीजन में, तो वेस्ट उतना फोकस नहीं कर रहा है। चाइना के साथ ट्रस्ट डेफिसिट है, पैलेस्टीन इंडियन पीपल को, पैलेस्टीन के जो लीडर्स हैं उनको चाइना की पॉलिसीज में ट्रस्ट नहीं है। तो 2014 में जो पैलेस्टीनियन लीडर है मोहम्मद अब्बास, उन्होंने कॉल आउट किया इंडिया को टू रिजॉल्व दिस इशू। तो इंडिया कैन प्ले वेरी ग्रेट रोल इन दिस मैटर टू रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन। इंडिया भी एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। अब क्या है, पहले इंडिया जो है इसराइल पैलेस्टाइन को साथ में देखता था, और जो रिलेशनशिप फॉरेन पॉलिसी जो बनती थी फॉर दिस रीजन, वो इनको दोनों को साथ में रख के बनती थी। मतलब इसराइल के साथ अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट पैलेस्टाइन पे क्या पड़ेगा, पैलेस्टाइन के साथ कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया इसराइल इसराइल के रिलेशन पे क्या पड़ सकता है, इस तरह से इसको देखा जाता था। बट फ्रॉम सम टाइम इसे डीहाइफनेट कर दिया गया। डीहाइफनेट का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, इसराइल के साथ जो बेनिफिट्स इंडिया को मिल सकते हैं उनके बेसिस पे इंडिया इसराइल इसराइल और इंडिया के रिलेशनशिप्स को आगे फर्दर परस्यू करता है, और पैलेस्टाइन के साथ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इंडिया जो रिलेशनशिप रखना चाहता है उसको वैसे परस्यू करता है। मतलब अब दोनों को ये नहीं देखता कि अगर पैलेस्टाइन के साथ कोई भी रिलेशन इंडिया का हो रहा है या कोई एंड इसराइल इंडिया ले रहा है तो उसका इंडिया और इसराइल के रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसराइल के साथ कोई भी रिलेशन या कोई एग्रीमेंट, कोई पीस, कोई भी पैक्ट साइन कर रहा है इंडिया तो उसका पैलेस्टाइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बिकॉज इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और इसराइल और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। उस टाइम से इसराइल जो है बहुत चीप ली हमको, ऑन द चीप ऑन द गुड प्राइजेस यू कैन से, बहुत चीप प्राइजेस पे हमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करवा रहा है, हमें लोन फैसिलिटीज बहुत अच्छी दे रहा है। तो इसलिए इंडिया जो है उसके लिए इसराइल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन ऑल द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड, बी इट डिफेंस सेक्टर, बी इट एग्रीकल्चर सेक्टर, बहुत सेक्टर्स में इसराइल इंडिया को
ये जो है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए इसराइल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में इंडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, और उस रोल को अगर इंडिया उसमें कामयाब हो जाता है इसराइल और पैलेस्टाइन के इशू को रिजॉल्व करने में, या फिर अच्छा रोल प्ले कर जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा अरब कंट्रीज पे भी, और इसराइल के साथ भी उसके रिलेशंस और अच्छे हो सकते हैं। आई होप गाइज आपको यहाँ तक का वीडियो समझ आया होगा। मैंने बहुत डिटेल में सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। इन तीनों पार्ट में आपको आपके मेंस और प्री दोनों के लिए पूरा मटेरियल मिल जाएगा, समझ आ जाएगा कि क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए और क्या इंडिया इसराइल के रिलेशन इम्पोर्टेंट कैसे हैं, इसराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हमारे वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें हमारे वीडियोस को, और हमारे अगर आपको करंट अफेयर्स अपडेट चाहिए तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको PDF फॉर्मेट चाहिए इन वीडियो लेक्चर्स का तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।